मेरा नाम है इकबाल हुसैन और आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इजी पैसा की वेबसाइट ओपन करनी है। ये इजी पैसा की वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, retailer.easypaisa.com.pk/merchant-portal। जब आप ये इसको लॉग इन करेंगे तो वेबसाइट ये वाली वेबसाइट को ओपन हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है इजी पैसा हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, जो कि आपकी ये हेल्पलाइन है 345545। इनको कॉल करने के बाद आपने अपनी वेरिफिकेशन जो उनको देनी होती है, वो देने के बाद इन्हें कहना है कि हमें जो है इजी पैसे का वेब लॉगिन दे दें। जो हमारा वेब लॉगिन है जो ख़ास डिजिट पे मुश्तमिल होता है, यानी वो हमें ये कंपनी वाले देते हैं, वो देने के बाद यहाँ पर आपने साइन अप करना है। साइन अप करने से ये यूज़र नेम आपको वहीं से मिलेगा, यही जो है यूज़र नेम है जो 345545 पे कॉल करेंगे तो यूज़र नेम मांगेंगे वेब लॉगिन का, तो वो आपको देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है कोई भी यूज़र नेम है, यहाँ आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ नीचे आपने लिखना है अपना इजी पैसे का रिटेलर पिन। ये यहाँ दोस्तों ये है इजी पैसे का रिटेलर पिन, यानी जब हम पूरी की पूरी प्रोसेस करते हैं ट्रांजैक्शन, कोई बिल पेमेंट कर रहे हो, कोई कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो लास्ट में जो हम अपना पिन एंटर करते हैं अपनी यूज़र आईडी के बाद, तो वो वाला पिन यहाँ पे यूएसएसटी पिन कहते हैं इसको, यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन शो होगा ये दो नंबर पे, जो कि आपने पासवर्ड बनाना है अपना। और पासवर्ड बनाने का तरीका का ये है कि ये पहले तो आपको ओटीपी आएगा और लास्ट में अपने पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ओटीपी आपको आएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो इजी पैसे का, वहाँ पे ओटीपी एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना इजी पैसे का पासवर्ड बनाना है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये नेक्स्ट नहीं होगा। ये देखें अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं सीधा लॉगिन पे जाता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हम लॉगिन में आ गए, यहाँ पे मैंने अपना इजी पैसा वेब लॉगिन का यूज़र नेम लिखा, नीचे जो मैंने सिंपली अपना पासवर्ड बनाया है। पासवर्ड बनाते हुए आपने ख्याल करना है कि सबसे पहला डिजिट जो है आपने कैपिटल में यानी बड़े लफ्ज़ों में लिखना है, उसके बाद दो तीन इंग्लिश के लफ्ज़ यानी लिखने हैं, और उसके बाद दो से तीन लफ्ज़ आपने एंड में लिखने हैं नंबरिक में, यानी कोई भी नंबर हो 3, 4, 5, 7 इस तरह से लिखने हैं। ये आपका पासवर्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आपने सिंपली कोई भी पासवर्ड इंटर किया वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने करना है लॉगिन। लॉगिन के ऑप्शन पे आप जब जाएंगे यहाँ पे आपका सिलेक्ट पोज शो होगा, ये पोज नंबर जो है आपका इजी पैसे का रिटेलर मोबाइल नंबर है जिसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे शो होने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करते हुए यहाँ पे इंटर ओटीपी आएगा, ये ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल इजी पैसा मोबाइल अकाउंट पे, जो रिटेलर वाला मोबाइल अकाउंट है वहाँ पे आ गया है, और हमने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद उसके बाद हम बिल पेमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिल पेमेंट जो है सबसे पहले सिंगल का ऑप्शन है, अगर आपने एक एक बिल पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का ये शो हो जाएगा। यहाँ पे यूटिलिटी टाइप है, यूटिलिटी टाइप में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, सोलर, वाटर, गवर्नमेंट फीस, अदर्स, और ये सारी की सारी जो बिल पेमेंट्स के हवाले से हमारे पास पैनल आ रहे होते हैं ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैपको हमने सिलेक्ट किया, और मैपको को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करना है जो कि
14 नंबर वाला होता है हमारे पास बिल के हवाले से। यहाँ पे वो 14 नंबरों वाला रेफरेंस नंबर एंटर करना है और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आप नेक्स्ट करेंगे, आपके पास बिल पेमेंट की अमाउंट शो हो जाएगी और आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये मुतलका जो रेफरेंस नंबर दिया है ये सेम बिल है। इसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद ये बिल पे हो जाएगा। और इसके अलावा ये तो सिंगल बिल पेमेंट है, अगर आप के पास बहुत ज़्यादा बिल आते हैं और आपको पे करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है आपको, तो आपके लिए यहाँ पे इजी पैसा वालों ने एक सोल्यूशन दिया है बल्क पेमेंट के हवाले से। जी ये दोस्तों यहाँ पे बल्क बिल पेमेंट है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये पैनल शो हो जाएगा। वो तो एक एक बिल पे कर रहे थे हम यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास अभी सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज़ है 30 बिल्स, यानी यहाँ पे ये इन कर सकते हैं 40 बिल्स, 50, 60, 70, 80, जितनी आपकी बिल पेमेंट की कैपेसिटी है उसके मुताबिक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 में सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपने यूटिलिटी को सिलेक्ट करना है। आप वहाँ पे सिंपली एक जगह सिलेक्ट करेंगे, नीचे सारी की सारी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद आपने सिलेक्ट वन करना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की बिल पेमेंट कर रहे हैं आप, और नीचे पूरी की पूरी ये 30 बिलों की जो लिस्ट है यहाँ पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। इसके बाद यहाँ पे आपने कंपनी सिलेक्ट करनी है मैप को, और ये कंज्यूमर नंबर है, यहाँ पे आपने वो 14 नंबर वाला जो कंज्यूमर नंबर होता है बिल का वहाँ यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे सिंपली कस्टमर का एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद अगर आपने 30 बिल्स की ये पूरी की पूरी मालूमात यहाँ पे आपने एंटर कर ली है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है गेट बिल्स डिटेल। जो ही आप गेट बिल्स डिटेल पे एंटर करेंगे तो ये पूरी की पूरी बिल की जितनी भी अमाउंट है यहाँ आपके पास शो होगी टोटल होके, और साथ में यहाँ पे इस वाली साइड पे हर बिल का अलग-अलग अलग से अमाउंट शो होगी। यहाँ पे इसकी ग्रैंड टोटल होगा और यहाँ पे इसका हर बिल का टोटल होगा। यहाँ पे आप कंफर्म करने के बाद एंड में यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा जो कि पेमेंट के हवाले से है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ये पूरे के पूरे बिल एक साथ पे हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप कम टाइम में जो है आप बहुत ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वेब लॉगिन में और भी ऑप्शंस बहुत सारे आप मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये मनी जो मोबाइल अकाउंट है, मोबाइल अकाउंट में सॉरी ये मोबाइल अकाउंट जो है यहाँ पे ये कैश सर्विस में मोबाइल अकाउंट की सोर्सेज हैं डिपॉजिट। यहाँ पे आपने कोई भी मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली कोई भी अमाउंट एंटर की, डिपॉजिट के ऑप्शन में गए आप, सॉरी नंबर गलत हो गया जी, अमाउंट मैक्सिमम 100 रुपये तक यहाँ पे डिपॉजिट हो सकती है। ये वजह है यहाँ पे ये शो हो गया डिपॉजिट के हवाले से, आप डिपॉजिट करेंगे ये डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह विड्रॉ का भी यही सेम ऑप्शन है, अगर किसी के मोबाइल से आपने पैसे निकालने हैं तो ऊपर मोबाइल नंबर देंगे, नीचे अमाउंट लिखेंगे विड्रॉ का, सॉरी यहाँ पे इनसफिशिएंट भी अमाउंट है। यहाँ पे अगर हमने कैश विड्रॉ करने के हवाले से बात कर रहे थे तो यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर कस्टमर का मोबाइल नंबर देंगे, नीचे अमाउंट देंगे और विड्रॉ के ऑप्शन पे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इशू हो गया है। विड्रॉ करेंगे तो कस्टमर के पास एक फ्लैश SMS जाएगा जिस पे उसने अपना OTP एंटर करना होगा, तो OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास कन्फर्मेशन SMS आएगा आपके ईजी पैसा रिटेलर नंबर पे, और कस्टमर को भी SMS जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, रिक्वेस्ट टू पे है, पे अदर्स है, कस्टमर कार्ड के हवाले से बल्क एक्शन है, और पे मर्चेंट है। अगर आपने फ्रेंचाइज पे रिटर्न करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फ्रेंचाइजी का मोबाइल नंबर है और यहाँ पे आपने अमाउंट एंटर करनी है और नीचे आपने रेफरेंस देना है। नेक्स्ट करेंगे सिंपली वो फ्रेंचाइज का शो हो जाएगी आपके पास, उसका नाम शो हो जाएगा और नेक्स्ट करने पर अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र है, यहाँ पे आप
बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तामीर में, अदर बैंक में। और इसके नीचे है जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है व्यू में। व्यू में आप अपने पूरे के पूरे दिन की एक्टिविटी, चाहे आप एक दिन की एक्टिविटी चेक करें, एक हफ्ते की चेक करें या एक महीने की चेक करें, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अगर स्टेटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी हम डेट चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 20 तारीख चूज़ करते हैं और 20 और 21 दोनों डेट की जो स्टेटमेंट है यहाँ, वह हमारे पास जो भी एक्टिविटीज़ हमने की होंगी वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगी। आपको नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखें, ये 21 तारीख है, ये टाइम के हवाले से आ रहा है। इस टाइम हमने ये डिपॉजिट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की, इसमें ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। जो इसके अलावा ऑप्शन है जो ज़बरदस्त, इससे आपने लेफ़्ट में जाना है। ये जो आपने इलेक्ट्रिसिटी की एक्टिविटी की है, ये पेमेंट की है, इसके बाद आपका बैलेंस ये हो गया है, इसके बाद और भी पेमेंट की है, इसके बाद आपका मौजूदा बैलेंस ये हो गया है, इसी तरह से ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें मौजूद है। आप नेक्स्ट करेंगे, ये आपके पास 21 तारीख का आ रहा था। इसके बाद आपके पास अगर सेम डे में और एक्टिविटीज़ होंगी वो शो होगी, नहीं ये 20 तारीख का भी आ गया है, ये इसका टाइम आ रहा है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, ये बिल पेमेंट के हवाले से है और यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन्स मौजूद हैं। और साथ ही साथ में आपका जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है वो भी शो हो रहा है। अगर आपने डिटेल चेक करनी है कि किसी के अकाउंट में आपने पैसे भेजे हैं और उसका नंबर के हवाले से या उसकी ट्रांजैक्शन आईडी के हवाले से, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स भी शो होंगे, बिल पेमेंट्स के हवाले से यहाँ पे रेफरेंस नंबर्स भी शो होंगे और आईडीज़ वगैरह भी शो होगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर इस तरह की मालूमात आपको मज़ीद चाहिए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अनमोल इन्फो के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे। इसी तरह से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये कमीशन की मालूमात भी यहाँ पे आ रही होती है। सिलेक्ट वन में कमीशन का अगर टू डे के हवाले से बात करें तो ये 24 तारीख में शो करेगा, अगर हम वीक का शो करें तो ये 18 से 24 का शो करेगा। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ की आपने, कोई बिल पेमेंट की, कोई कैश डिपॉजिट किया, तो कमीशन की डिटेल यहाँ पे आ रही है। कोई भी आपने एक्टिविटी की, यहाँ पे आपको 48 रुपीस का कमीशन मिला, 8 रुपीस, 4 रुपीस, 28 रुपीस, इसी तरह से ये विद होल्डिंग टैक्स और सेल टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में शिफ्ट होता रहा। और साथ में यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है आपके अकाउंट में एंटर होने वाली, यानी होल्डिंग टैक्स और सेल टैक्स कटने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में जमा होती रही, यानी ये जो 40 रुपए आपको कमीशन शो होता है आपके इजी पैसा मोबाइल अकाउंट पे जो एसएमएस आता है, वो 40 रुपए के बाद यानी 24 रुपए 20 रुपए जो कटते हैं उसमें, यानी 2 रुपए या 3 रुपए होल्डिंग टैक्स और सेल टैक्स कटने के बाद एक्चुअल अमाउंट आपके अकाउंट में जमा होती रहती है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद मालूमात चाहिए और आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो आपने इसे को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अनमोल इन्फो के नाम से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनमोल इन्फो, मेरा नाम है इकबाल हुसैन।